हाय फ्रेंड्स, मैं ध्वनि आप सबका स्वागत करती हूँ तल्ला दलाल के किचन में। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दिखाऊंगी जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, जिसका नाम है चीज़ कुकीज। तो चीज़ कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सॉफ्ट बटर। ये बटर सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से इसे क्रीम कर लेंगे, जब तक ये एकदम लाइट और फ्लफी ना हो जाए। तो ये बटर एकदम लाइट और फ्लफी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड चीज, एकदम थोड़ा सा चिली पाउडर और एकदम थोड़ा सा सॉल्ट, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा और अब हम इसे एक सेमी स्टिफ आटे में गूंध लेंगे, यानी कि ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा कड़क। याद रखिए, यहाँ पे ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि हमने सॉफ्ट बटर लिया है तो ये आटा अपने आप इजीली बन जाएगा। तो ये आटा बनके तैयार है, तो चलो अब हम इसे रोल करते हैं। तो रोल करने के पहले मैंने यहाँ पे आटे को 3 भाग में बांट लिया है। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसे रोल करना शुरू करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा आटा भी चिल हो गया है। तो अब हम आटे का 1 भाग लेंगे, अच्छे से दोनों हाथ के बीच में स्मूथ करेंगे और मैदे की मदद से इसे रोल करेंगे। थोड़ा आटा रोलिंग बोर्ड पे स्प्रिंकल कीजिए और आटे को इस पे रख के एकदम हल्के हाथ से रोल करना स्टार्ट कीजिए। एक चीज़ याद रखिए कि जब आप आटा फ्रिज से निकाले उसके बाद इसे ज़्यादा हाथ से हैंडल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा बटर है तो वो हाथ की हीट की वजह से मेल्ट होने लगेगा। तो ये 7 इंच का रोल हो गया है। अब हम एक कुकी कटर की मदद से, या फिर आप इस तरीके की कोई वाटी भी यूज़ कर सकते हैं जिसका डायमीटर 1.5 इंच जितना हो, और इसे हम कट करेंगे। मैं यहाँ पे वाटी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हल्के हाथ से निकाल लेंगे और इसे बहुत ही केयरफुली तवेदा की हेल्प से एक बेकिंग डिश पे रख देंगे। ये बहुत ही डेलिकेट है तो इसे करते टाइम बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसी तरीके से बाकी की कुकीज़ भी बना लेंगे, बट ध्यान रखिए कि जब तक आपका आटा ख़त्म ना हो तब तक आप इसी तरह उसे बेल के कुकीज़ कट करके बनाते रहें। तो सारी कुकीज़ बेक होने के लिए तैयार है, तो चलो इसे बेक करते हैं प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। तो अब ये कुकीज़ बेक होके तैयार है, चलो इसे सर्व करते हैं। अब ये कुकीज सर्व करने के लिए रेडी है, बट इसे आप बेकिंग ट्रे से निकाले उसके पहले ध्यान रखें कि उसे पूरी तरीके से ठंडा होने दे, फिर ही उसे एक प्लेट में निकाले, वरना वो टूट जाएगी। आप भी इस कुकीज़ को बनाइए और फिर एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कीजिए और फिर आपका जब भी मन करे इसको रिलिश कीजिए। गुड बाय। Download the Talla Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook and talladalal.com.